हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ज्वेलरी स्कूल। तो आज बनाऊंगी मैं इन क्रिस्टल बीट्स से एक ब्यूटीफुल सा नेक पीस, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगे क्रिस्टल बीट्स के साथ ही ये पर्ल्स हैं मेरे पास, और ये मोनालिसा बीट्स हैं, साथ ही हैं मेरे पास ये आई पिंस, और इसे मैं गेज वायर में प्रिपेयर करूँगी। गेज वायर के लिए चाहिए होंगे स्टॉपर, कुछ जंप रिंग और एक लॉबस्टर लॉक। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक गेज वायर लिया और गेज वायर के कॉर्नर पे मैंने पहले एक स्टॉपर अटैच किया और इसको यहाँ पर मैंने क्रम्प कर दिया, और इस तरह अब इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब मेरे पास ये लाइट पिंक कलर के क्रिस्टल बीट्स है, इनको मैं इसमें इंसर्ट करूँगी। इसको हम दो पोर्शन में तैयार करेंगे, ये फर्स्ट पोर्शन मैं तैयार कर रही हूँ। तो अभी क्रिस्टल बीट्स का मैं इसकी हाफ लेंथ इसमें रेडी करूँगी और वन बाय वन ऐसे बीट डालते हुए इसको लॉक तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो देखिए, ये मैंने दो लेंथ इस तरीके से इक्वली तैयार की है, दो गेज वायर में अलग अलग। अब ये इक्वल करने के बाद अब ये जो मैंने पर्ल्स रखे हुए थे इनको मैं आई पिंस में इस तरीके से इंसर्ट करके दोनों साइड लूप क्रिएट करूँगी। आई पिन में एक साइड ऑलरेडी एक आई बनी होती है, मतलब लूप्स होता है, दूसरी साइड भी मैंने ये लूप बना लिया। और ये यहाँ पर मैंने दो पर्ल डाले हैं, बाकी मैं सिंगल सिंगल पर्ल से ये तैयार कर लूँगी। और टोटल ये मेरे पास ये 5-6 बीट्स हैं इन्हें रेडी करके। ये मोनालिसा बीट्स हैं, इनको भी इसी तरीके से, बट यहाँ पर मैं हेड पिन यूज़ करूँगी क्योंकि मैं इसे हैंगिंग के लिए यूज़ करूँगी, और दोनों कॉर्नर पर इसके भी लूप क्रिएट कर लिए। अब ये दोनों गेज वायर में इक्वली मैंने सबसे पहले ये जो डबल पर्ल है वो इस तरीके से इंसर्ट करूँगी कि दोनों लूप में से ये गेज वायर इस तरीके से जाए। अब फिर मैंने इसमें दो या तीन बीट्स के गैप पर, आप अकॉर्डिंग टू पर्ल की जो एमएम है कितने एमएम का, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं ताकि ये आपस में टच ना हो, अच्छे लगे। तो मैंने यहाँ तीन तीन बीट्स का गैप लिया है, तो तीन बीट्स इस साइड, तीन क्रिस्टल बीट्स इस साइड, और फिर अगेन मैं इसमें डालूँगी पर्ल जो दोनों साइड्स पर लूप क्रिएट किया हुआ है मैंने। और इस तरीके से ये पूरा मेरा जो है ये पेंडेंट जैसा रेडी कर लूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में लिखना कि आप किस तरह की और ज्वेलरी के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वन बाय वन मैंने इसमें ये दो डबल वाले और चार सिंगल बीट्स इंसर्ट कर लिए, और अब मैं इसे यहाँ पर एंड करूँगी। उसके लिए मैंने स्टॉपर का यूज़ किया है। स्टॉपर डालने के बाद यहाँ भी अगेन मैं एक छोटा लूप क्रिएट कर लूँगी। अब ये दोनों साइड लूप क्रिएट करने के बाद जो मैंने मोनालिसा की पिंक हैंगिंग्स रेडी करके रखी हुई हैं इसको मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी दोनों कॉर्नर्स के साथ। एक मैंने यहाँ अटैच कर दिया और दूसरी मोनालिसा को मैं दूसरी साइड अटैच कर दूँगी, और इस तरह मैं इसको रेडी कर लूँगी। अब जो दूसरे एंड पॉइंट्स हैं उसमें एक साइड जंप रिंग और एक साइड इंसर्ट कर दूँगी मैं लॉबस्टर लॉक, और इस तरह ये पूरा मेरा पर्ल सेट ये रेडी हो गया है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।